हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेटर्स प्लस। आज का टॉपिक है हमारा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स। संख्यात्मक व गुणात्मक अनुसंधान क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और क्वालिटेटिव रिसर्च की क्या क्या और टेक्निक्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में जानेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं हम क्वांटिटेटिव रिसर्च या संख्यात्मक। देखिए, क्वांटिटी किसी भी चीज़ को जिसको हम क्वांटिटी में या नंबर्स में मेज़र कर सकें, मापन कर सकें उसका, ठीक है, उसको बोलते हैं हम क्वांटिटेटिव, जहाँ पर संख्याओं का प्रयोग ज़्यादा हो। ठीक है, सबसे पहली चीज़ इसमें क्या है जानने वाली, दैट क्वांटिटेटिव रिसर्च इज यूज टू क्वांटिफाई द प्रॉब्लम बाय वे ऑफ जनरेटिंग न्यूमेरिकल डेटा और डेटा दैट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सुटेबल स्टेटिस्टिक्स। ये बेसिकली किसी भी प्रॉब्लम को न्यूमेरिकल डेटा से सॉल्व करने की कोशिश करती है। ठीक है, क्वांटिफाई द प्रॉब्लम, ठीक है, उसको नंबर्स के फॉर्म में मेज़र करने में ज़्यादा यकीन रखती है। ये जो डेटा होता है ये मेजरेबल डेटा होता है, इसका हम मापन कर सकते हैं। देखिए, दो शब्द मैंने बताए थे, मापन और आकलन। आकलन का मतलब वो चीज़ है जहाँ पर हमको डीप इंसाइट चाहिए, जहाँ ऑब्जर्वेशन करनी पड़े। मापन मतलब हम सीधा मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, ये जो मैथड्स हैं क्वान्टिटेटिव मैथड्स, दीज आर मोर स्ट्रक्चर्ड मैथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन होते हैं, इसके अंदर अधिक संरचित। मोर स्ट्रक्चर्ड की जब मैं बात करूँगा तो इसका मतलब ये है कि इनमें ये फिक्स्ड मेथड्स हैं एक तरीके से, इनमें ज़्यादा फ्रीडम पॉसिबल नहीं है रिसर्चर को। ठीक है, एक फिक्स तरीका है, उसी तरीके से चलना है कि आपको चीज़ों को क्वांटिफाई करना है, नंबर्स में निकालने की कोशिश करनी है। ठीक है जी, ना क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन मैथड्स क्या होते हैं, किस किस तरीके के मेथड्स होते हैं। सर्वेज होते हैं, पोल कराते हैं आप, क्वेश्चनेयर होता है, क्वेश्चनेयर को हम फिर उसकी स्कोरिंग करके नंबर्स में लेते हैं, इन्वेंट्रीज होते हैं, उनके स्कोर को नंबर में लेते हैं, इंडेक्सेस होते हैं, स्केल होते हैं, लिकर्ट स्केल, थर्स्टन स्केल बताए मैंने आपको, और टेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इट इज़ यूज टू क्वान्टिफाई एटीट्यूड्स, ओपिनियन, बिहेवियर्स एंड अदर डिफाइंड वेरिएबल्स एंड जनरलाइज रिजल्ट्स फ्रॉम ए लार्जर सैम्पल पॉपुलेशन। सैम्पल थोड़ा बड़ा होता है यहाँ पर। ये बेसिकली किसी का ओपिनियन है, किसी की कोई राय है, एटीट्यूड है, व्यवहार है, या और कोई वेरिएबल भी है, तो उसको क्वांटिफाई करके मेज़र करने की कोशिश की जाती है यहाँ पर। तो ये हुई हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब समझते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च टेक्निक्स या गुणात्मक, जहाँ पर गुणों की बात हो रही है, वो रिसर्च या वो रिसर्च मैथड्स किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, जिनको हम क्वालिटेटिव कहते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या होता है क्वालिटेटिव रिसर्च में, गुणात्मक अनुसंधान में, यहाँ पर प्रॉब्लम को समझने में, किसी प्रोसेस को समझने में, इवेंट को समझने में, उसके बोध करने में ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। ठीक है, इट इज़ यूज टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अंडरलाइंग रीजंस, ओपिनियंस, मोटिवेशंस, प्रोसेस, फिनोमिना और इवेंट्स। क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोवाइड डीप इंसाइट इनटू द प्रॉब्लम और हेल्प टू डेवलप आइडियाज और हाइपोथेसिस फॉर पोटेंशियल क्वांटिटेटिव रिसर्च। देखिए, कई बार जिन चीज़ों में, जहां पर क्वांटिटेटिव रिसर्च पॉसिबल नहीं है, वहां पर हम क्वालिटेटिव रिसर्च या एक्सप्लोरेटरी स्टडी मैंने कराई है आपको, वहां पर हम क्या करते हैं, बेसिकली उस प्रोसेस को समझ करके उसके बारे में हम कुछ भी ये कर सकते हैं कि भाई हम उस वेरिएबल को समझने में, उस वेरिएबल को नाम देने में हम काबिल रहे। ठीक है, हम उसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन डिफाइन करने में काबिल रहे, हम उस प्रोसेस का डीप इनसाइट, डीप अंडरस्टैंडिंग समझाने में कामयाब हो गए। ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च इज आल्सो यूज्ड टू अनकवर ट्रेंड्स इन थॉट्स एंड ओपिनियंस एंड डाइव डीपर इनटू द प्रॉब्लम। इट अनकवर द ट्रेंड्स एंड थॉट्स एंड ओपिनियंस को, जो प्रोसेस हो रहा है, जो बेसिक जिस्ट है उस प्रोसेस का, उस प्रक्रिया को समझने में ज़्यादा फोकस रहता है यहाँ पर। अच्छा, वहाँ पर क्या था कि स्ट्रक्चर तरीके थे, फ्रीडम नहीं थी। यहाँ पर क्या है, मोर अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड तरीके होते हैं हमारे पास डेटा कलेक्शन के। ठीक है, इसमें फोकस ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, इंडिविजुअल इंटरव्यूज हो सकते हैं। ठीक है, पार्टिसिपेशन या ऑब्जर्वेशन हो सकती है। तो देखिए, इन चीज़ों को लेकर के हम एकदम फिक्स तरीके से नहीं चल सकते, यहाँ पर जैसी ज़रूरत होगी उस तरीके से चेंज किया जा सकता है। तो कहने का मतलब क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्चेज आर मोर फ्लेक्सिबल एंड क्वांटिटेटिव रिसर्चेज आर मोर फिक्स्ड। ठीक है, टिपिकली स्मॉल डेटा होता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर डेटा कम होता है, वेरिएबल्स ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर वेरिएबल कम होते हैं और डेटा हमारा ज़्यादा होता है। अभी तक इतनी बात समझ में आई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं जो एग्जाम में हमको देखने को मिल सकती हैं क्वालिटेटिव रिसर्च से रिलेटेड,
ह्यूमनिस्टिक नेचर ऑफ रिसर्च है ये, इस फ्रेज को ध्यान रखिएगा। ये फ्रेज सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव या गुणात्मक अनुसंधान के लिए ही बना है कि भाई मानवतावादी, या बेसिकली ये कहूँ कि किसी भी ग्रुप से या ग्रुप ऑफ ह्यूमन से रिलेटेड कोई फिनोमिना है, कोई प्रोसेस है, कोई प्रॉब्लम है, उसको समझने में, समझ के उसकी सहायता करने में ज़्यादा ये यकीन रखता है। ठीक है, दूसरा क्या है यहाँ पर, फ्यू केसेस एंड मैनी वेरिएबल्स, सैम्पल साइज कम हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल्स हो सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा इंक्वायरी फोकस हो सकती है ये। जैसे हम बात करें केस स्टडी की, केस स्टडी में सिर्फ एक ही केस हो सकता है हमारा, लेकिन हम उसको कितने डिफरेंट वेरिएबल्स के बेसिस पर उसकी स्टडी करते हैं, ये चीज़ यहाँ पर समझने वाली है। ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च फोकस ऑन स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स ह्यूमन एंड सोशल प्रॉब्लम्स। मैंने बात करी यहाँ पर ह्यूमनिस्टिक, उसी चीज़ को यहाँ दूसरे तरीके से लिखा है कि ये मानवतावादी उपागम में जटिल से जटिल सामाजिक समस्याओं को समझने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारे पास, इट इज ह्यूमन एंड सब्जेक्टिव अप्रेजल इज हाइलाइटेड। ठीक है, अब क्या मतलब है यहां पर इस चीज का कि ह्यूमन एंड सब्जेक्टिव अप्रोच इज हाइलाइटेड। देखो एक स्टेटमेंट सुनो, क्वालिटेटिव रिसर्च प्लेसेस द मेन एम्फेसिस ऑन द रिसर्चर हु नैरेट्स एंड इंटरप्रेट्स फिनोमिना इन टर्म्स ऑफ मीनिंग्स डराइव फ्रॉम पीपल्स एक्सपीरियंस। रिसर्चर जो रिसर्च कर रहा है उसकी अपने ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है कि वो किसी फिनोमिना को समझने के लिए, चाहे फील्ड में जा रहा है तो ग्राउंडेड थ्योरी हो गई, ठीक, या फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस चीज़ की कि वो किसी भी प्रोसेस की सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन करे, सब्जेक्टिव अप्रेजल करे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इट इज़ कंडक्टेड इन नेचुरल सेटिंग। अभी मैंने बात करी कि रिसर्चर किसी प्रोसेस को समझने के लिए नेचुरल सेटिंग में जा रहा है, इसका मतलब वहाँ पर जो भी चीज़ उसको दिखाई दे रही है अपने बायसेस को छोड़ करके वहाँ की प्रॉब्लम को एज इट इज़ वो अपनी स्टडी में उन लोगों के व्यूज़ को एज इट इज़ बिना किसी मैनिपुलेशन के एज इट इज़ अपनी स्टडी में, अपनी रिसर्च में कहने की कोशिश करता है। तो यहाँ मैनिपुलेशन किसी भी तरीके की नहीं है। कहने का मतलब ये है कि नेचुरल सेटिंग का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ना तो कोई कंट्रोल होगा और ना ही कोई मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वेराइटी ऑफ डेटा गैदरिंग टेक्निक्स। ठीक, क्वालिटेटिव रिसर्च इन्वॉल्व्स ए वेराइटी ऑफ डेटा गैदरिंग टेक्निक्स एंड अप्रोचेस ऑफ क्वालिटेटिव नेचर। मतलब किस तरीके के हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं यहाँ पर डेटा गैदरिंग के लिए, केस स्टडी हो सकती है, इंटरव्यू हो सकते हैं, डायलॉग्स हो सकता है, कन्वर्सेशन हो सकती है, ऑब्जर्वेशंस मैंने कराई आपको, ऑब्जर्वेशन हो सकती है किसी भी तरीके की, या व्यक्ति के पर्सनल एक्सपीरियंसेस, व्यक्तिगत अनुभव हो सकते हैं, लाइफ स्टोरी हो सकती है, विजुअल डेटा हो सकता है, विजुअल डेटा का मतलब फोटोग्राफी हो सकती है, कोई और चीज़ हो सकती है। ठीक है, इन सारे तरीकों से वो उस प्रोसेस को या उस इवेंट को या उस वेरिएबल को समझने की कोशिश करता है और दुनिया को समझाने की कोशिश करता है अपनी रिसर्च के बेसिस पर। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास कुछ और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, इनको जानेंगे, इनको समझेंगे। तो अभी जितनी भी बातें हमने डिस्कस करी उनके बेसिस पर हम ये फ्रेज देखिए, वर्ड्स ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये एग्जाम में मिलेंगे आपको। अगर बात होती है मल्टीपल रियलिटीज़ की, मल्टीपल रियलिटीज़ का मतलब क्या है, जब हम ह्यूमनिस्टिक या व्यक्तिनिष्ठ तरीके से जिस तरीके से रिसर्च कर रहे हैं, हमने एक व्यक्ति का इंटरव्यू लिया वो कुछ और कह रहा है, दूसरे का इंटरव्यू लिया कुछ और कह रहा है, तो ये क्या हुए, दीज आर मल्टीपल रियलिटीज। ठीक है, इसको बोलते हैं हम बहु यथार्थवादी उपागम। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास मीनिंग्स एंड इंटरप्रिटेशंस। अब जिस तरीके से मल्टीपल रियलिटीज हो सकती हैं उनके मीनिंग्स एंड इंटरप्रिटेशंस भी उसी तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर और सोशल फिनोमेना इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ अ ह्यूमन इज व्हाट दे आर डूइंग और पार्टिसिपेटिंग इन एन एक्टिविटी। जो भी एक्टिविटी रिसर्चर ने कराई उसमें किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किस तरीके से कौन कितना इंटरेस्ट ले रहा है, किस तरीके से वो उनको ऑब्जर्व कर रहा है और क्या डेटा निकल करके आ रहा है। ठीक है, तो बोध व व्याख्यात्मक उपागम। नेक्स्ट है जनरेशन ऑफ नॉलेज। ठीक, बेसिक हमने स्टार्ट किस लिए करी है, किसी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को या सोशल बिहेवियर को समझने के लिए या किसी वेरिएबल को समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग पर फोकस है, तो यहाँ पर ज्ञान का सृजन हो रहा है।
जनरलाइजेशन पर आते हैं आप। जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण को लेकर के क्वालिटेटिव रिसर्च क्या बोलती है? देखिए, जनरलाइजेशन को लेकर के क्वालिटेटिव रिसर्च ये कहती है कि जरूरी नहीं है कि आपकी जो भी फाइंडिंग्स रही हैं आप उसको जनरलाइज तरीके से करें, क्योंकि हमने बात करी यहाँ पर सब्जेक्टिव रियलिटीज़ की, मल्टीपल रियलिटीज़ की। तो यहाँ पर ये है कि मल्टीपल रियलिटीज़ या इंडिविजुअलिस्टिक रियलिटीज़ भी जो होती हैं वो भी रियलिटीज़ होती हैं, वो भी जनरेशन ऑफ नॉलेज के अंतर्गत नॉलेज की तरह काम करती हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम साइंटिफिक मेथड में या साइंस सब्जेक्ट में या क्वांटिटेटिव रिसर्च में साइंटिफिक इंक्वायरी में चीज़ों को जनरलाइज करते हैं अपने सैम्पल की फाइंडिंग्स के बेसिस पर, यहाँ पर हम जनरलाइज नहीं कर सकते और ना ही किया जाता मोस्टली, मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है। ठीक, उसके बाद में आता है ह्यूमन रिलेशंस। देखिए, क्वालिटेटिव रिसर्च बहुत से इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं, इवेंट्स हैं, प्रोसेसेस हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे को, ह्यूमन बीइंग्स को, किसी भी ग्रुप के अंदर। ठीक है, देयरफॉर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई वन और टू कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एट दिस लेवल ऑफ नेचुरलिस्टिक स्टडीज़। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि ये कॉज है और इसकी वजह से ये चीज़ हो रही है। तो यहाँ पर कॉजैलिटी को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है? द कॉजैलिटी इन सोशल साइंसेस कैन नॉट बी डेमोंस्ट्रेटेड इन अ हार्ड सेंस और स्पेसिफिक सेंस एज इट इज डन इन द केस ऑफ फिजिकल साइंसेस। यहाँ पर ह्यूमन रिलेशंस की सेंस में हम रियलिटीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक और चीज़ है यहाँ पर, एक और पॉइंट रह गया है, वो पॉइंट है वैल्यू सिस्टम। आप नोट कर लीजिए, अब क्या मतलब है वैल्यू सिस्टम का? यहाँ पर वैल्यू सिस्टम का मतलब ये है कि जो रिसर्चर का अपना वैल्यू सिस्टम है, उस एनवायरमेंट का अपना वैल्यू सिस्टम है, वो सारी की सारी क्वालिटेटिव रिसर्च को इफेक्ट करता है। कहाँ से? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम से लेकर के सिलेक्शन ऑफ सैंपल, यूज ऑफ टूल्स, डेटा कलेक्शन, द कंडीशंस इन विच डेटा आर गैदर्ड एंड द पॉसिबल इंटरेक्शंस दैट टेक्स प्लेस बिटवीन द रिसर्चर एंड रिस्पोंडेंट। इन सारी की सारी चीज़ों में, क्योंकि क्या है ये सब्जेक्टिव रियलिटीज को फोकस करती है, इसलिए वैल्यू सिस्टम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब चलिए बात करते हैं कुछ क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम के बेस पर क्या क्या अलग अलग रिसर्च मेथड्स हैं हमारे पास। देखिए, ग्राउंडेड थ्योरी है, ग्राउंडेड थ्योरी या जिसको हम बोलते हैं एविडेंस बेस्ड रिसर्च या प्रदत्त आधारित सिद्धांत। ठीक है, एविडेंस के बेस पर कोई भी थ्योरी को इवॉल्व करना, ग्राउंडेड थ्योरी। देन हमारे पास आता है नैरेटिव रिसर्च डिज़ाइन। नैरेटिव रिसर्च में फिनोमिनोलॉजी को भी डाला जा सकता है और नैरेटिव रिसर्च में और भी कई टाइप की रिसर्च आती है। केस स्टडी क्वालिटेटिव रिसर्च है। इथनोग्राफी या जिसको हम बोलते हैं किसी समूह के बारे में, किसी कल्चर के बारे में हम स्टडी जब करते हैं तो उसको बोलते हैं जातिवृत्तात्मक शोध। मिक्स मैथड रिसर्च है। मिक्स मैथड रिसर्च में हम क्या करते हैं, बेसिकली क्वालिटेटिव और हो सकता है कहीं थोड़ा बहुत क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो सकता है, मतलब मिश्रित विधि, ये भी क्वालिटेटिव है। और बायोग्राफिकल रिसर्च, जीवन पर आधारित या फिलोसॉफिकल रिसर्च जिसको हम बोलते हैं वो, या एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी क्वालिटेटिव रिसर्च की कुछ टाइप्स। आपके जनरल पेपर में इतना डिटेल में नहीं है, लेकिन जो एजुकेशन सब्जेक्ट के मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको ये ग्राउंडेड, नैरेटिव, केस स्टडी, एथनोग्राफी, मिक्स मैथड, बायोग्राफिकल और फिलोसॉफिकल रिसर्च बाद के वीडियोस में मैं प्रोवाइड करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था एक बेसिक जिस्ट अबाउट क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स, या क्या डिफरेंस है। एक में नंबर्स के साथ में ज़्यादा एसोसिएशन है, एक में प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग और सब्जेक्टिव रियलिटीज, मल्टीपल रियलिटीज़ को लेकर के ज़्यादा फोकस है। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।